दिल्ली के 21 आम आदमी पार्टी विधायकों को सुरक्षित करने से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की ओर से सहमति प्रदान करने से इनकार करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं और भाजपा आप से डरी हुई है और पिछले साल के विधानसभा चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि देश भर में एकल कर व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से लाया जाने वाला वस्तु और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सालों से अटका पड़ा था, लेकिन अब अंततः उसे तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों का समर्थन मिल गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के बीच ट्विटर पर डियर शब्द के इस्तेमाल को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो चौधरी ने माफी मांग ली। चौधरी ने ट्विटर पर स्मृति ईरानी से सवाल किया था कि नई एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू होगी। ऐप आधारित प्रीमियम बस सर्विस के घोटाले में गिरे गोपाल राय ने दिल्ली के परिवहन मंत्री के पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह सत्येंद्र जैन को परिवहन विभाग का जिम्मा दिया गया है। गोपाल राय का जाना पहले ही तय हो गया था, लेकिन पिछले हफ्ते उनकी जगह कपिल मिश्रा को परिवहन मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता को इन सब से बचकर रहना चाहिए, सपा सरकार में गुंडों और माफियाओं का राज बड़ा है। और अब बात करते हैं मानसून की। मानसून की बारिश ने पूर्वोत्तर भारत में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में मानसून के पहुंचने की घोषणा कर दी है। असम के आगे मानसून के बादल सिक्किम की राजधानी गंगटोक तक जा पहुंचे हैं। ऐसा अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश होगी। सोनिया गांधी, उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा और उनके नाती नातिन 3 दिन की निजी यात्रा पर सोमवार को शिमला पहुंचे। इस दौरान सोनिया गांधी शिमला के पास छराबड़ा गांव में बन रहे प्रियंका के विवादित विला का जायजा लेने भी पहुंची। लगभग 1 घंटे तक निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद परिवार रिजॉर्ट के लिए रवाना हो गया। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अमेरिका में ऑरलैंडो आतंकी हमले को बहुत गंभीर त्रासदी बताते हुए कहा कि सभी मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में देखना गलत है। ऑरलैंडो में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अर्जी पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश के बाद इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने का ईडी का दावा और पुख्ता हो जाएगा। उड़ता पंजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब एक गुजराती फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड ने 100 कट लगाने को कहा है। ये फैसला गुजराती फिल्म सलक्त सवाल अनामत से जुड़ा है। इसमें रिजर्वेशन के मुद्दे को उठाया गया है।